नमस्कार विद्यार्थियों, 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने को हरी झंडी। सबसे बड़ी खुशखबरी है, सभी विद्यार्थियों को राहत की खबर मिल गई है। कल से क्या स्कूल खुलने जा रहे हैं? 2 नवंबर से स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? किन किन कक्षाओं की कल से जो शिक्षण कार्य है वो शुरू होने वाला है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 1 से 12वीं तक कक्षा का पूरा शेड्यूल, पूरी एडवाइजरी बताने वाला हूँ, और कल से किन किन कक्षाओं की जो है कक्षाएँ लगने वाली है, किन किन के स्कूल खोलने लगे हैं, और स्कूलों को जो हरी झंडी है वो दे दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। इस वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं कोरोना काल के 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए 2 नवंबर से स्कूल खुलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं अंतिम जो निर्णय आ गया है, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो है वो कल से यानी 2 नवंबर से जो है स्कूल खुलने वाले हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थी पेन, नोटबुक और किताब एक दूसरे को नहीं दे सकेंगे। उन्हें कक्षा कक्ष में भोजन करना होगा और पानी की बोतल खुद को पानी लानी होगी, साथ में रखनी होगी। मतलब जो भी COVID-19 के जो भी रूल्स है पूरे के पूरे फॉलो करके जो है उनको स्कूल जो है कक्षाएं जो है उनकी लगाई जाएंगी। पूरी कक्षाओं को सैनिटाइज कर दिया जाएगा, मतलब सब कुछ जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है, और 3 चरणों में स्कूल खोलने को जो है वो जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। इस वीडियो में आपको पूरी एडवाइस। सबसे पहले जो स्कूलों का जो समय है, प्रदेश भर में 2 नवंबर से सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे विद्यालय। यानी जो विद्यालय खुलेंगे वो 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं लगेंगी जो है वो 10 बजे से 4 बजे तक जो है स्कूल खोलने का, मतलब समय जो बदल गया है। पहले अक्टूबर से समय बदलता था, अब की बार जो है थोड़ा डिले करके नवंबर में समय बदला है। मतलब 2 नवंबर यानी कल से आपको सुबह 10 बजे से शाम 4 तक जो है खुलेंगे विद्यालय। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी जो है मतलब पूरी गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं। अब क्या क्या सख्ती होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूलों को करना होगा सैनिटाइज। पूरी तरह से स्कूलों को सैनिटाइज कर दिया जाएगा, हर कोने को जो है सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल तक छोड़ने वाली स्कूल बसों को भी रोजाना सैनिटाइज करना होगा। इसके साथ ही स्कूल को कोरोना से बच्चों को बचाव के लिए विभिन्न जो मैनेजमेंट है वो करना होगा। पूरी तरह से जो प्रतिबंध रहेगा, क्या क्या प्रतिबंध रहने वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं ठेले वाले विक्रेताओं का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, और बीमार बच्चों के लिए अतिरिक्त जो कक्षाएं लगाई जाएंगी, जो जिनकी जो थोड़ा तबीयत है वो सही नहीं रहती उनकी जो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जो क्लास है वो लगाई जाएंगी। जिला व ब्लॉक स्तरीय मेडिकल अधिकारी से संपर्क कर स्कूल वाइज जो है टीम गठित जो है की जाएंगी, मतलब कुछ इसके रिगार्डिंग जो है वो आएगा। अब गोविंद सिंह, बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सही आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सीबीएसई, एमपी एंड अदर बोर्ड्स का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश व हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए। फैसला आया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्कूल में पढ़ाई शुरू करने को लेकर सरकार जल्दी निर्णय लेंगी, फिलहाल तैयारियां जो है वो चल रही है। उन्होंने कहा फिलहाल तैयारियां चल रही है लेकिन जल्द ही जो है फैसला लेंगी, यानी अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, स्कूल और जो 9 नवंबर से जो खुलने वाले यानी कल से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगने वाली है उस पर जो अंतिम जो निर्णय है वो नहीं आया है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था। यहाँ पर 1 मिनट आप पूरा का पूरा इस जो सब जो न्यूज है इसको पढ़ना है। 10वीं व 12वीं के लिए 2 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, यहां पर आप देख सकते हैं कोरोना काल के 10वीं व 12वीं की कक्षाओं के लिए 2 नवंबर से स्कूल खुलेंगे। विद्यार्थी पेन, नोटबुक और किताब एक दूसरे को नहीं दे सकेंगे, ये पूरी जो गाइडलाइन कर दी गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 2 नवंबर से स्कूल खुलेंगे लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है फिलहाल तैयारियां जारी है। तो इन कंफ्यूजन को मैं आपको इस वीडियो में ही दूर करने वाला हूं कि आपको 2 नवंबर से स्कूल जाने को लेकर अभी तक का जो है यहां पर सिर्फ अपडेट आई है लेकिन जो स्कूल से जो है वो सूचना प्राप्त नहीं है। जब तक आपको स्कूल से सूचना प्राप्त ना हो तब तक आप स्कूल नहीं जा सकते। स्कूलों में कक्षा कक्षों के साथ बाल वाहिनियों को करना होगा सैनिटाइज, ये पूरी जो गाइडलाइन तैयार की गई है। तो मतलब आप समझ सकते हैं नवंबर महीने में आपके स्कूल है वो जरूर खुलेंगे, 100% जो है सभी को उम्मीद है और लगभग 100% उम्मीद ही है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 100% है वो नवंबर में आपके स्कूल खुलने वाले हैं। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक राहत की खबर आने वाली है, यह फैसला आज आ सकता है, कल भी आ सकता है, मैं आप सभी को बता दूं, लेकिन स्कूल के द्वारा आपको जरूर सूचना कर दी जाएगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करना है और पल पल की जो अपडेट है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।